Welcome back to the 100 cases. In this video, we will talk about the case of Daya Rao versus State of UP. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure you subscribe to this channel because we come back to you twice every week. तो अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जो rule of res judicata है, उसके बारे में बात होती है और उसके ऊपर discussion होता है. तो आइए देखिए ये res judicata क्या कहता है. Res judicata क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि द केस हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड. इसका भी इतना सही मतलब समझिए. अब देखिए अगर कोई केस एक सिविल कोर्ट में डिसाइड हो चुका है और वही केस अगर दूसरे सिविल कोर्ट में चलेगा तो फिर ये कोई रीजनेबल बात नहीं है, क्योंकि जब कोई बात एक बार डिसाइड हो चुकी है उसके ऊपर दोबारा लड़ना इट इज यूजलेस एंड वो सही भी नहीं है. तो इसीलिए ये रूल ऑफ रेस जुडिकेटा बना था. अब इस केस में क्या होता है कि इस केस में पेटिशनर जाते हैं अंदर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में अपने पेटिशन लेके, लेकिन जो हाई कोर्ट होता है वो उस केस की मेरिट्स देख के उस केस को डिसमिस कर देते हैं. फिर वही सेम पेटिशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32, लेकिन अब यहाँ पर जो डिफेंडेंट होते हैं वो ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हैं और उनका ऑब्जेक्शन ये होता है कि जब ये केस ऑलरेडी हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका है और वही केस अगर सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड करेगा तो यहां पर तो एक रेस जुडिकेटा का रूल लगना चाहिए और यह पेटिशन डिसमिस कर दी जानी चाहिए. अब कोर्ट इस केस में यह कहता है, कोर्ट इस केस में सबसे पहले तो यह पेटिशन डिसमिस कर देता है क्योंकि यह पेटिशन रेस जुडिकेटा का रूल फॉलो नहीं कर रही थी. और वो इसीलिए कहता करता है यह पेटिशन डिसमिस, उसका यह रीजन होता है कि हाई कोर्ट ने जब यह केस डिसमिस किया था तो ये केस उसकी मेरिट्स पर डिसमिस किया था और जो रेस जुडिकेटा का रूल है उसमें मेरिट देखना जरूरी है, क्योंकि अगर पुराने कोर्ट ने मेरिट पर केस डिसमिस किया है तो वो केस यहां पे नहीं लड़ा सकता है दोबारा. तो इसीलिए ये पेटिशन डिसमिस कर दी गई थी. अब आपको शायद से रेस जुडिकेटा समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक और छोटा सा केस है. अब इस केस का नाम है देवीलाल मोदी वर्सेस एसटीओ. अब इस केस में क्या होता है कि जो पेटिशनर होते हैं वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, वहां पे उनके पेटिशन डिसमिस हो जाती है, फिर वो वही केस लेके जाते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो उनके पेटिशन होती है उसको डिसमिस कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकेटा और वो वही सेम चीज लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वही होता है, वहां पर भी पेटिशन डिसमिस कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रेस जुडिकेटा. अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद वो वापस वही केस लेके आते हैं हाई कोर्ट और वो वहां पे भी रेस जुडिकेटा के थ्रू ही वो केस डिसमिस कर दिया जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि रेस जुडिकेटा का रूल कितना इंपॉर्टेंट है. तो इस केस में बस इतना ही. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस बिकॉज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.